दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले 3 दिनों से जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में डेंगू की जांच करने वाली अलाइजा ना होने की वजह से मरीजों को बिना जांच के ही वापस जाना पड़ रहा है, जिससे बिहार के मरीज निजी पैथोलॉजी में डेंगू जांच के लिए 700 से 800 रुपए खर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बाद एक के बाद एक फिर डेंगू जैसी महामारी से लोग जूझ रहे हैं। मैं अपना रैपिड रिकॉर्ड देख के बताऊं क्या, मैं आपको टोटल फिगर देता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ एक्चुअली एलाइजा की व्यवस्था केवल गवर्नमेंट में है, और विशेष रूप से हमारे अस्पताल में ये सेंट्रल सर्विलेंस की लैब है। इसके अलावा और कहीं कोई करता नहीं है एलाइजा टेस्ट, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हमारे यहाँ क्योंकि विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अथॉरिटीज़ के निर्देश पर किट्स भी हमें लखनऊ से कॉरपोरेशन से अवेलेबल होती हैं, डायरेक्ट VVD के यहाँ से या वहाँ से होती हैं। तो हमारी डिमांड के अगेंस्ट उन्होंने 8 किट भेजी थी हमें NS1 की, डेंगी NS1 की, और 5 किट मुझे मिली थी वहाँ से NIV से, पुणे से। 5 और 8 13 किट हमने लगा चुके हैं इस बीच में। जो भी जितने भी मरीज सैंपल हमारे पेरीफरी से भी आए, फील्ड से भी, और हमारे यहाँ जो मरीज आए, हमने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। परसों वो किट हमारी ख़त्म हुई हैं। तो कॉरपोरेशन में हमने पता किया था उससे पहले भी, यहाँ हमारा उसका भी, हमारे यहाँ भी ऑफिसर, तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। लखनऊ में बात करिए, आज या कल में वो किट्स हमें अवेलेबल हो जाएंगी, संभव नहीं है।